हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हो आप सब? आज हम आपकी रेन ड्रॉप बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द मंकी एंड द एलिफेंट। ये एक मंकी और एक एलिफेंट, एक बंदर और एक हाथी की कहानी है। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकालो, रेन ड्रॉप बुक, और उसका चैप्टर नंबर 12 वो खोलो, और मेरे पीछे पीछे आपने अच्छे से रीडिंग करनी है और सारे वर्ड्स को अच्छे से सुनना है, और आपको ये कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द मंकी एंड द एलिफेंट। ये देखो, ये मंकी है इतने सारे और ये एलिफेंट है, तो ये इनकी कहानी है। अ ग्रुप ऑफ मंकीज वर प्लेइंग ऑन अ ट्री इन द जंगल। बंदरों का एक झुंड पेड़ के ऊपर जंगल में खेल रहा था। बंदरों का झुंड, बहुत सारे बंदर थे और वो पेड़ के ऊपर खेल रहे थे। ये देखो, इतने सारे बंदर है, ये पेड़ पे खेल रहे हैं ना। सडनली दे हर्ड द लाउड साउंड ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रम्पेट। अचानक उन्होंने हर्ड क्या होता है, सुनना। उन्होंने हाथी की बहुत जोर से चिंघाड़ सुनी। ट्रम्पेट होता है चिंघाड़ना, जैसे हाथी ने बहुत जोर से आवाज निकाली वो सुनी। द मंकीज वर अफ्रेड। अफ्रेड होता है डरना। सारे बंदर डर गए जो उन्होंने हाथी की आवाज सुनी ना बहुत से। ये देखो हाथी है और ये बंदर है साथ में। जब उन्होंने उसकी ट्रम्पेट बहुत सी चिंघाड़ सुनी जोर से, तो वो डर गए। They ran up and down on the tree. वे पेड़ पे ऊपर नीचे की ओर दौड़ने लगे। They ran up and down the tree. वे पेड़ के ऊपर नीचे दौड़ने लगे। Soon the elephant came very close to the tree. Soon, अचानक, जल्दी ही वो हाथी है वो जो था वो पेड़ के बहुत नजदीक आ गया। बहुत जिस पेड़ पर बंदर बैठे थे। केम होता है आना। A little monkey looked up the elephant and smiled. छोटे से बंदर ने हाथी की ओर देखा। Looked होता है देखना और smile और मुस्कुराया। Smile क्या होता है, मुस्कुराना। एक छोटे से बंदर ने हाथी की ओर देखा और वो मुस्कुराया। The elephant picked up the little monkey and put him on his back. Picked होता है उठाना। हाथी ने छोटे से बंदर को उठाया। ये देखो, उसने अपनी सूंड से उठाया ना उसे, ठीक है, और उसे अपनी पीठ पे रख दिया, पीछे अपनी पीठ पे रख दिया। The little monkey shook with joy. और जो छोटा बंदर था वो खुशी से चीखने लगा, खुशी से चिल्लाने लगा। shook होता है चिल्लाना, खुशी से चीखने लगा। What do you think happened next? अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा? क्या लगता है आपको, सोचो। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। The other monkey saw this. Saw था देखना। और बंदरों ने भी ये देखो, और बंदर थे ना, उन्होंने ये देखा। One by one they dropped down from the tree onto the elephant back. फिर उन्होंने क्या, एक एक करके वो पेड़ से नीचे उतरे, और वे ड्रॉप होता है उतरना, पेड़ से नीचे उतरे और वो हाथी की पीठ पर बैठ गए। ये देखो, सारे बैठ रहे हैं ना हाथी की पीठ पे। The elephant started moving. Started होता है शुरू करना। तो elephant ने क्या किया, चलना शुरू कर दिया। The monkeys had a jolly good elephant ride. सारे बंदरों को क्या, बहुत ही अच्छी एक सवारी मिल गई हाथी की। उन्हें बहुत अच्छी उनकी हाथी की सवारी मिल गई। चलो एक बार रीडिंग करते हैं चैप्टर की। A group of monkeys were playing on a tree in the jungle. Suddenly they heard the loud sound of an elephant's trumpet. The monkeys were afraid. They ran up and down the tree. Soon the elephant came very close to the tree. A little monkey looked up at the elephant and smiled. The elephant picked up the little monkey and put him on his back. The little monkey shook with joy. The other monkey saw this. One by one they dropped down from the tree onto the elephant's back.
The elephant started moving. The monkeys had a jolly good elephant ride. अच्छी लगी ना आपको कहानी? आपको लग रहा होगा कि इस कहानी में बहुत कुछ डरावना सा होने वाला है, जैसे मंकी ने उसे क्यों उठाया होगा हाथी ने, लेकिन इसमें तो बहुत अच्छा हुआ ना। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। Have you ever had a ride on any animal? क्या आपने कभी भी किसी भी जानवर की सवारी की है? तो इसका आंसर आप खुद लिखोगे यस और नो। ठीक है, जो भी आपने क्या यस किया तो आप यस लिखोगे और नो किया है तो आप नो लिखोगे। How did the monkeys feel when they heard the elephant? जब उन्होंने एलिफेंट की हाथी की चीख सुनी थी तो मंकियों को क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ? ठीक है, द मंकीज फेल्ट अफ्रेड। उन्हें क्या हो गया था? उन्हें डर लग गया था। द मंकीज फेल्ट अफ्रेड व्हेन दे हर्ड द एलिफेंट। उन्हें हाथी की आवाज सुनने पर डर लगा था। ये देखो, इसका आंसर आपको यहां पे मिलेगा। कुक बुक में ही हमें सारे आंसर मिलते थे। मंकीज वर अफ्रेड जब उन्होंने उसकी आवाज सुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द लिटिल मंकी स्माइल एट द एलिफेंट? छोटे से बंदर ने मंकी को देखकर क्यों खुश, एलिफेंट को देखकर क्यों हुआ था, मुस्कुराया था? क्योंकि वो क्या करना चाहता, द लिटिल मंकी वॉन्ट टू राइड ऑन एट द एलिफेंट, क्योंकि वो उसके ऊपर राइड करना चाहता था, इसलिए वो खुश हुआ था उसके लिए, ताकि मुझे ये देखकर राइड कर ले। Did the elephant like the little monkey? क्या छोटे एलिफेंट को छोटा बंदर अच्छा लगा? Yes. क्यों लगा अच्छा? क्यों, मैं कैसे पता लगा कि उसे अच्छा लगा? उसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उसने उसे अपनी राइड दी थी। Why did the other monkeys drop down the tree? बाकी जो बंदर थे वो पेड़ से क्यों उतरे थे? वो इसलिए उतरे थे क्योंकि उन्हें भी वो सवारी करनी थी। The other monkeys dropped down the tree to take a ride on elephant. वो एलिफेंट की पीठ पर, हाथी की पीठ पर राइड लेना चाहते थे इसीलिए। अगला है, choose the correct form of the word given in the bracket to fill in the blanks one has done for you. ये सभी आप बहुत ध्यान से सुने क्योंकि बुक में आपको ये वर्कशीट में इसी वीडियो से सारे आंसर्स मिलेंगे। फर्स्ट है, द मंकीज लिव्ड इन अ जंगल। अब इन्होंने इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी है, ED लगा के। ठीक है, तो आपको अगला भी ऐसे करना है। द मंकीज क्लाइम्ड ऑन एट अ टॉल ट्री। क्लाइम्ड ED लगा देना है आपको। हियर द सडनली दे हियर की जगह क्या लगाना, हर्ड HERD हर्ड एन एलिफेंट ट्रम्पेंटिंग। नेक्स्ट इज, अ लिटिल मंकी गो, इसकी जगह क्या आएगा, A little monkey went near the elephant. Next is, the elephant picked, P-I-C-K-E, he picked up the monkey and gave it a ride. Gave, G-A-V-E. ये आपके फिलिप्स थे। अब इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। अगला है, लिसन एंड रिपीट। आपने मेरे पीछे लिस्ट सुनना है और रिपीट करना है। टेल टॉय, बेल बॉयल, एल ऑयल, फेल पॉयल, कैन पॉइन। आवाज का डिफरेंस है ना थोड़ा थोड़ा। लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई लाइक मिल्क, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, क्लू है नेम ऑफ फ्रूट, ड्रिंक्स, फूड, गेम्स, एनिमल एक्सेट्रा। आप इसमें से क्लू में से कुछ भी इसमें भर सकते हो। जैसे इसमें आई लाइक मिल्क है तो आप नेम ऑफ फ्रूट भरोगे पहले को। आई लाइक कोई भी एक फ्रूट का नाम आप लिख सकते हो, जैसे एप्पल, मैंगो, जो भी आपको पसंद है। ठीक है,
जैसे दूसरा है आई लाइक, फिर ड्रिंक्स में कुछ भी आप ड्रिंक्स में लिख सकते हो, जूस जो भी आपको अच्छा लगता है। फिर आपको आई डू नॉट लाइक, कोई फूड जो आपको अच्छा नहीं लगता वो आप लिखोगे, ठीक है। आप इसमें गेम भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको फूड से ही शुरू करना है, आप इसमें कोई गेम का नाम भी लिख सकते हो, जैसे आई लाइक फुटबॉल, ठीक है। और फिर एनिमल का नाम कि आई लाइक एनिमल, कौन सा एनिमल आपको अच्छा लगता है। आई डू नॉट लाइक जो आपको अच्छा नहीं लगता है ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती, कोक अच्छा नहीं लगता, तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप और कर सकते हो, जैसे आई लाइक लिख सकते हो या आई डोंट लाइक, जो भी आपको पसंद है और नापसंद है, ये आपकी पसंद और नापसंद के ऊपर ही सारा फिलअप्स है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से करना है और अपनी इसमें चॉइसेस लिखनी है कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। जैसे आप अपने और अपने फ्रेंड्स के बारे में भी लिख सकते हो कि वी लाइक स्टडी, कि हम लोगों को क्या अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है या खेलना, कोई हॉबी जो आपकी है, ठीक है ना। और वी डू नॉट लाइक, जो आपको अच्छा नहीं लगता है करना, वो आप इधर लिख सकते हो अपने और अपने फ्रेंड्स के बारे में। तो ये था आपका क्लू के साथ फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको बहुत अच्छे से करना है। ये आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए मैंने, और आपको फिलअप्स भी करा दिए, और आपको वर्ब्स के साथ। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वीडियो 2 दिन ध्यान से देखना है। आपको सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको इसी वीडियो में।